भाई साहब पुरानी टनल, इसकी हिस्ट्री अगर किसी को पता होगी तो चिपका देना कमेंट सेक्शन में, मतलब ये कब की थी। लेकिन इतना कंफर्म है कि जौहर टनल से पहले की टनल थी ये। रही पुरानी जौहर यादें, जौहर टनल ये व्यू है यहाँ से, पूरा मैदान है ये ऊपर। इसके नीचे है तो आंखें काफी रेड रेड है ना, पता नहीं क्या मसला हुआ सुबह से, तो बहुत पेन हो रही है इनमें, शेड्स लगाता हूँ। तो हाँ, करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। मैं कल आया था बानिहाल राहिल के यहाँ, तो राहिल को आज ऑफिस जाना था, बंक कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि आज हम जाएंगे बानिहाल की सबसे फेमस जगह जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो है जौहर टनल। जौहर टनल के टॉप पे जाएंगे हम, मतलब टनल टॉप पे, लोकली उसको यही बोलते हो ना आप, टनल टॉप। तो हमें वहाँ पे और एक जगह देखने को मिलेगी जो पुरानी टनल थी, पहले वाली टनल। जौहर टनल भी अब बंद ही हुई है, उसमें डिफेंस और वो तेल के टैंकर, गैस के टैंकर जाते हैं, लोकल तो नई टनल से जाते हैं ना। आज उसको एक्सप्लोर करेंगे और एक बंदे को वहाँ से उठा के हम निकलेंगे वहाँ की ओर। सुनने में ये भी आया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो पीछे रहे कपड़े। आज मैं थोड़ा थोड़ा सुस्त लग रहा हूँ ना, पता ही नहीं आँखों की वजह से, और धूप भी यहाँ से बहुत तेज़ होती है। अभी ज़रा सुन के ही जाओ क्या लिखा रहा है। वक्त ने किया क्या हसीन सितम, ठीक, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वक्त ने क्या किया ये हसी सितम, ये हसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम, रहे ना हम। तो दर्द देख रहे हो, दर्द दुख पीड़ा कष्ट। तो यहाँ से हम गाड़ी चेंज करेंगे, 3 किलोमीटर बाद हमने ये गाड़ी चेंज की, 3 किलोमीटर बाद ये लेंगे, 3 किलोमीटर बाद हम चेंज हो जाएंगे। तो ये रहे अपने भाई, मोटा भाई इमरान भाई, तो ये साथ है आज हमारे, ठीक है। इसको आप शायद जानते होंगे, इससे पहले भी व्लॉग में आए हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। ये वही रोड है जिस पे कभी ट्रैफिक मैस हुआ करता था, और वो रहा मशहूर शैतान नाला, है ना, शैतान नाला, कश्मीर में इसको वही कहते हैं, शैतानी नाला। तो सच कहा किसी ने, लोगों से मज़ा आता है, जगह से कभी मज़ा ही नहीं आता। यहाँ है ही नहीं कोई, ना कोई ट्रक दिखाई दे रही है, ना कोई लोकल गाड़ी दिखाई दे रही है, बस कभी कभी जैसा मैंने बोला तेल के टैंकर, गैस के टैंकर, और जो थोड़े हाँ लोकल्स थोड़े थोड़े वो भी। देखो सुनसान रोड है ये सारा, कभी कभी गाड़ी आती है, हर 10 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद। ये रही पुरानी जौहर टनल, यादें जौहर टनल, बहुत पहले ही यहाँ से आते थे, है ना। एक ही ट्यूब था, कितना पुराना, 70 साल पुराना, पहले जो है 70 ईयर्स टनल। तो मुझे मेरे ख्याल से 70 साल पहले ये वाला रोड था, मुगलों का रोड भी यही था ना। अच्छा ये मुगल रोड था, टनल तो पता है वो 1954 में, 2 साल में वो कंप्लीट हुई थी, 56 में उसकी ओपनिंग थी, और 50 साल वो चली, ठीक है, आजादी के बाद। हाँ बहुत ज्यादा है कश्मीरियों के लिए 50 साल किसी चीज को चलाना, इट मीन्स अ लॉट। तो शायद हमें परमिशन लानी है, वहां से हमें रोक दिया गया बड़े अचानक से, ठीक है। इनको मैसेज आई है, हाँ वो कह रहा है कि वहां पे किसी ने रोका नहीं है, हम तो भी सीधे आ गए, वापस जाए सर, वापस परमिशन के लिए, कोई इशू नहीं, वापस जाते, कोई बात नहीं। तो परमिशन के लिए बोल रहे हैं, यहाँ जाने के लिए परमिशन चाहिए, चलो वापस ही हो भाई, जरा परमिशन। तो ये परमिशन लेना था हमें, क्या लिखी है इस पे, डेट, व्हीकल, अच्छा पर्पस, हाँ ठीक। ये इनको देने, ये सबमिट करने हमें, एक्चुअली इनका ऊपर बहुत, इनको देने, इनका कैंप है बहुत बड़ा ऊपर, ठीक है, हाँ इनका कैंप है बहुत बड़ा ऊपर, उसके लिए यहाँ जब छोड़ते हैं ना ये लोकल, उनको
ये बनता है नीचे तक ठीक। अच्छा वो अकेले वाला पेड़ और ये चाचे वालों का है, मतलब ये सारे ये पहाड़। हाँ पहाड़ का ये एक बार से देखो बंदा बड़ा अमीर है, पहाड़ इनका है। पहाड़ का ये वाला फेस हमारा है, ऐसा ना रख, इसमें घास वास उगती है वो मतलब बेचते हैं ठीक है। और उस साइड का है चाचे वाला, मतलब ये मिल्कियत है लोगों की यहाँ से सीरियसली। हाँ ये मिल्कियत जमीन, बड़े अमीर है भाई भाई, मुझे पिए रख ले भाई। तो ये देखो सारे मोड़ काट कूट के हम पहुंचे, अब थोड़ा सा प्लेन है, इसका टॉप है ये, इसके नीचे जवाहर टनल है बहुत नीचे, और जो उससे पहले वाली टनल थी वो भी कोशिश करेंगे आप लोगों को दिखाने की, जो बहुत पुरानी थी है ना। बिल्कुल बाबा आदम वो दिखाएंगे, ज्यादा टाइम दिखाएंगे, वो दूसरे साइड से, वो उस साइड से, उस साइड से दिखता, मतलब हम बीच में है, यहाँ से बानिहाल है और यहाँ से मेरी नाग, मतलब अनंतनाग, मतलब कश्मीर की स्टार्टिंग। तो ये देखो यहाँ से बिस्मिल्लाह, ओह माशाल्लाह, हो रहा कोकरनाग अनंतनाग साइड में। ये देखो कहाँ से हमें जाना है अभी इसके बाद, लेकिन हमें चिकन लाया था वो भी पकाना है किसी जगह पे, और हमने जैकेट लाई थी वो चीज़ हमने अच्छी करी, वो भी पहनेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अल्लाह अकबर, देखो कंस्ट्रक्शन हो रही है रोड की, गाड़ी का नामो निशान नहीं बट रोड बन रहे हैं, जहाँ से रोड बनने चाहिए वहाँ से हालत बुरी है रोड्स की। ये देखो सही है, मैंने डाल दिया अपने लिए, मैं यहाँ बैठूँगा ठीक है, इमरान भाई अपना ये संभालेंगे किचन ठीक है। भूख भी बहुत लग गई, टाइम क्या आया 2:30 बज गए ना, लेकिन सर्दी बहुत है यहाँ पे। जरा इमरान भाई किससे जॉब कर रहे हो? वॉइस आई आई या ये क्या दिया ओ भाई साहब देखो ये तो हम लड़की कर सकते हैं, और कोई चीज में खुश है, हम खुश हैं। पत्थर धोया अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह। पीले पीले कोई मसला नहीं, आपने मांगा बहुत अच्छी बात। हाँ बैठ के पी लो, बैठ के इधर पी लो, हमारे पास भी कम ही है। हमने ये बोतलें लाई ना दो चार, खसखस बहुत कुछ बेहतर नहीं नहीं सोई थी भाई, ले जाओ ले जाओ, इसका ढक्कन ले जाओ, ढक्कन ले लिया, चलो ले जाओ ले जाओ, लव यू भाई। ऐसा होता है जब कच्चे खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, क्या ना शायद इस पानी एंटीसेप्टिक लगे लेदर तो छाल आते जैसी मरचांगन लगन आते, इसके हाथ में चोट लग गई, सीख घुस गया, बहुत अंदर पानी वो बोतल में, ये सामने सामने कोई इशू नहीं, चर्बी वाली बारबेक्यू बहुत अच्छी रहती है टेस्ट के हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया, भाई का पेट देखिए अंदाजा लगा सकते हो कि आप लोगों ने खाया। हाँ मैंने ही खाया, मैंने तो दो चार सीखे खाई बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया। तो शर्ट चेंज कर दी मैंने, किचन हमारा हो गया, मतलब लंच ब्रेकफास्ट दोनों हमारे हो गए, इसको साफ करेंगे और हमें पहुँचना है उस टॉप पे, मतलब उसके पार, फिर उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और इसके पीछे, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, इसको साफ करते हैं, हाँ इसको गाड़ी में भर के कहीं डिस्पोज करते हैं। चलो गाड़ी वजन ये छोटा मोटा सा ऑफ रोड करते हुए और वरना में वो भी वरना में देख सकते हैं आप रोड लिया व्यू देखना, बस यहां घुसाना अंदर गाड़ी बैक कर यार,
इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं ले जाना है ना, साइड में रखी है ये। हाँ इस साइड रखा हुआ गाड़ी। ये व्यू है यहाँ से, पूरा मैदान है ये ऊपर। मतलब इसके नीचे जा है ब्रेक लगा, ब्रेक एकदम बहुत प्यारा व्यू है। अरे कुछ नहीं, वो देखो वो जो पूरा वहां से दिख रहा है नीचे से, अगर आपको दिख रहा होगा वो बानिहाल का वो फोर लेन बानिहाल से, हाँ वो है ना ब्रिज, वो फोर लेन है वहां से। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। इधर कुछ है नीचे, अगर मुझे थोड़ा सा चलना, क्या हुआ नीचे कुछ नहीं, तो कहाँ गिरेगा, दौड़ना नहीं। ये ऐसे लग नहीं रहा है कैमरा में, लेकिन ये अच्छा खासा स्टीप स्लोप है यहाँ पे, ऐसा कैमरा में लग नहीं रहा है। ये देखो ये कैसे चल रहा है, इतना भी नहीं, इतना नहीं गिरेगा, ये ज्यादा डर है। नहीं भाई ये बहुत डरावना है, मेरे को हाइट का फोबिया है, दैट्स व्हाई मैं उधर तक गया, उसके आगे तो दिख भी नहीं रहा वहां से। वो गाड़ी है उधर, लग भी नहीं रहा, स्कॉर्पियो है, इतनी बड़ी गाड़ी इतनी छोटी दिख रही है। और ये देखो उधर तो मैं नहीं जा सकता, इतनी नहीं है हिम्मत मुझे, हाइट का फोबिया, पानी का फोबिया, बाकी मैं नहीं डरता। फिर क्या ही रहा उसको। चलो भाई हो गया ये भी, अब हम नीचे सीधे जाएंगे जहाँ पे वो पुरानी टनल थी, बहुत पुरानी वाली, उसको भी एक्सप्लोर करके निकल जाएंगे, फिर उसके बाद व्लॉग एंड करेंगे। क्या हवाएं चल रही है, ये पहुंचे हम पुरानी टनल के पास, जौहर टनल से जो पहली वाली टनल थी। चलो ये देखो ओल्ड टनल, अब इसको रिसेंटली बंद किया हुआ है, लेकिन है ये बहुत पुरानी, सदियों पुरानी। ये देखो बिस्मिल्लाह, हेलो हेलो भाई साहब, सीमेंट देखो, ये सीमेंट है ना रेड यूज किया हुआ है, और तब छोटी गाड़ियां थी, पता भी नहीं है गाड़ियां थी भी कि नहीं, लेकिन इसकी विड्थ लेंथ वो छोटी है एज कम्पेयर टू वो नीचे वाली टनल से, है ना। हेलो एको हो रहा है ना, इसको बंद किया है लेकिन, है ना, और तब का काम देखो, ये देखो ना इसमें ये यूज किया गया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको है रॉक बोल्ट, रॉक बोल्ट ठीक। ये देखो भाई साहब पुरानी टनल, इसकी हिस्ट्री अगर किसी को पता होगी तो चिपका देना कमेंट सेक्शन में, मतलब ये कब की थी, लेकिन इतना कंफर्म है कि जौहर टनल से पहले की टनल थी ये। पता ही नहीं आगे उस साइड से कहाँ पे इसकी ओपनिंग है, लेकिन यहाँ ऐसे करके ऐसे तब के लोग, हाँ अल्लाह अकबर, ओ भाई डर लगता है लेकिन। हाँ जी, जिसको इसकी हिस्ट्री पता होगी तो वो बता देना कमेंट सेक्शन में, मुझे इसकी इतनी नॉलेज है नहीं, वो तो मैंने राहिल से ही सुना कि ये दिखती भी है, मुझे अभी तक नहीं पता था। इसका खाली यहाँ पे लिखा है ओल्ड टनल RCC ऐसा कुछ लिख के 1.5 समथिंग। हाँ यार इसके ऊपर और नीचे तब घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, इस वजह से ये छोटी है ना, मतलब आज के ज़माने में ये दो गाड़ियां तो इजीली पार हो सकती है, ट्रक एंड बड़ी गाड़ियां LP 12 चक्की उनका पॉसिबल नहीं था, तब थी भी नहीं इनफैक्ट वो,
तो ये रहा है ना, तो चलो चलते हैं यहाँ से, वो लोग फोटो खिंचा के उधर चलेंगे, तो चलो चलते हैं। अच्छी एक्सपीरियंस थी, बहुत बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए, रिकमेंड करता हूँ मैं। श्रीनगर की हो, अनंतनाग की हो, अनंतनाग के लोग तो यहाँ आ सकते हैं। हाँ, महुवैली के बारे में बोलो। महुवैली वो कहाँ पे है? महुवैली, महुवैली है मतलब यहाँ से दूर है, दूसरी जगह है। हाँ, रोड जाता है वहाँ पे, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, स्टेज भी है, होम स्टेज वगैरह भी है वहाँ पे। बहुत अच्छा करो, बनिहाल की सबसे ब्यूटीफुल प्लेस बनिहाल के, मैं बोल रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है जहां तक मतलब मैंने सर्च करो उसके वीडियोस, बट ये बहुत मतलब आप लोगों ने भी देखा, ये कुछ भी नहीं उसके सामने, ये प्लेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और इनका कहना है कि ये कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर आप आ रहे हो श्रीनगर से हो अनंतनाग को, तो ये बिल्कुल नजदीक पड़ेगा और रोड इसका बिल्कुल ऐसा है, आप आ जाओ, ये बहुत अच्छी प्लेस है देखने के लिए। इसको छोड़ के जो मैंने इससे पहले, हाँ, जो मैंने इससे पहले दिखाई थी वो प्लेस देखने वाली है, मतलब दिल खुश हुआ आज। इस व्लॉग को ज़रूर देखना। हाँ, और हाँ, पुरानी टनल इसको एक्सप्लोर किया हमने, मुझे कल तक नहीं पता था, आज ही पता चला, राहिल ने बोला था सुबह, तो मैंने सोचा ये आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, देखते कहाँ पहुँचेंगे। चलो भाई, तो ये पहुँचे हम नए रोड पे, ये है नया रोड, और यहाँ से है आगे जाके नई टनल, वो भी दिखाएंगे उसके बाद। इस व्लॉग को ये भी आसान, हाँ, एंड कर दूंगा। वारिसी वाले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, सेंसर कुछ ना दे जाओ ना भाई। आपकी चैनल का नाम क्या है? यूट्यूब पे इमरान डिजिटल मोटर्स, और फेसबुक पे इमरान मलिक। फेसबुक पे इमरान मलिक, गाड़ियों के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, हेल्प करेंगी कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पे स्टक हो जाए तो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, बंदा